जस पंजाबी देखते हो सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत हेल्थ प्लस विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज दे विच जिस तरह हर हफ्ते लाइव तुहाडे नाल हाजिर हुंदे आ। इस शो विच साडा यही मकसद है कि जिथे तुहाडी हेल्थ दी गल आंदी है उत्थे किस तरह फिजिकल थेरेपी तुहानू हेल्प कर सकदी है वक वक बीमारियां नाल प्रॉब्लम्स नाल ते रिकवरी नाल ते ऑफकोर्स जिथे डायनामिक फिजिकल थेरेपी दी गल आंदी है उत्थे उहनां दे करते धरते डॉक्टर नलेश सोनी सानू जॉइन कर रहे हैं। Dr. Soni, once again, welcome to the program. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. I'm glad to be here. Good to have you, Dr. Soni. You know, tuhade naal is program de rahi apan apne darshakan nu dasde haan. Vakh vakh treatment options jo unna de kol available hai ki khaas karke jis tarah tuhadi apan keh sakde haan expertise hai ki geriatric physical therapy de vich buzurgan naal tusi expert tareeke naal focus rakhde ho. But of course, tuhadi jo clinics vakh vakh New York de locations all types of physical therapy di services provide karde hai. Dr. Soni, we've been talking sadi काफ़ी गल्लां हो रही हैं यू नो डिफरेंट जो आप कह सकते हैं तुहाडे फील्ड विच वड्डी कुछ आइटम्स आंदे जिद्दां पिठ या रीढ़ की हड्डी दे जो इशूज हुंदे है बट एक होर चीज़ इहो जी हैगी जो स्पेशली जिस तरह उम्र वधदी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है वह अगे गोडे राइट जो साढ़े खास करके बुजुर्ग हैं उन्होंने गोडियां दे विच काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो अज मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पर थोड़ा जहा फोकस करिए। सब तो पहले जो लोगों के कोल मतलब गोडियां की प्रॉब्लम्स उन्होंने एक्सपीरियंस होंगी है किस हद तक वो चीज़ आप कह सकते हैं वर्स हो जाती है कि उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कंसिडर करनी पैंदी है। राइट सो एज वी एज सो गोडा इज ए फेवरेट वेट बेयरिंग जॉइंट जो हमारे हम खड़े रहेंगे चलेंगे या यू नो स्टेयर्स लेंगे या दौड़ेंगे सो ए लॉट ऑफ प्रेशर फॉल्स ऑन नीज और उसकी वजह से देर इज ए वेयर एंड टेयर जो चीज आप यूज करते हो वो घिसती है सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आर्थराइटिस और जनरल वेयर एंड टेयर वो बहुत ही कॉमन है नी विच और गोडा विच तो और उसको देर आर मेनी वेज टू टेक केयर ऑफ इट बट द थिंग विद आवर एशियन पॉपुलेशन is that we have tendency of having early degeneration means people in their early 40s and early 50s they have worn out knees do teen cheez hai ek ki hamari jo weight gain hoti hai age ke badhne ke sath weight gain ke karan knee par zyada load girta hai aur dusra hum jo knee ke control karne wale jo muscles hote hain वो अगर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग नहीं किया हमने विद एज तो वो वीक हो जाते हैं तो दोनों तरफ से लोड बढ़ता है एक तो मसल वीक हो गया तो वो अपना काम कम करते हैं और दूसरा हमारा वेट बढ़ता है तो वो नी घिसता है और अब तीसरी बात ये करेंगे कि अगर हमने जॉइंट हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं लाया स्पेशली फुटवेयर सोचिएगा अभी भी हम इंडिया से वो बाटा चप्पल या स्लिपर्स पहन कर चलते हैं एंड अगर फुट का अगर अच्छा सपोर्ट नहीं है तो उसका भी असर आपके नी पर होता है सो ऑल दिस फैक्टर्स लीड टू अर्ली वेयर एंड टेयर ऑफ द नी और उसकी वजह से नी पेन एंड नी आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन इन आवर कम्युनिटी सो अगेन टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट ओ knee ke pain ke liye it is the sort of the last option to have a joint replaced to kaun log karta hai to bahut sare knee replacement agar aapko trauma hua ho means aapko koi injury jaise motor vehicle or accident ya sports accident aur uski wajah se aapka knee ka joint alignment acha nahi raha ho ya knee ke structures thode injured ho gaye ho to वो अलाइनमेंट बदलने के कारण वो जल्दी से घिसते हैं एंड यू मे एंड अप हैविंग एक्सेलरेटेड डीजनरेशन ऑफ द नी लीडिंग टू नीड ऑफ रिप्लेसिंग द नी जब आप वो मिस वो ऐसे ही आप नी में दर्द हो गया गोड में दर्द हो गया तो कोई डॉक्टर आपको सीधे नी रिप्लेसमेंट के लिए रेकमेंड नहीं करेगा बट ये दिस इज लाइक द टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स विद द नी
नी रिप्लेसमेंट की बात के पहले हम थोड़ा सा नी डीजनरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको चपनी के पीछे या चपनी के नीचे या गोडे के अंदर के पार्ट में दर्द हो तो और आप 40 के ऊपर हो तो पॉसिबल है कि आपको आर्थराइटिस और जिसको बोलते हैं वेयर एंड टेयर वो हो सकता है। और अगर आर्थराइटिस है तो जो अंदर से घिसा है वो बदलेगा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे या थोड़ा ना स्ट्रेचिंग करेंगे वो सीखेंगे तो जो लोड गिर रहा है आपके गड्ढे पर वो कम हो सकता है। अगर वो कम हो सकता है तो यू कैन गेट ए बेटर बैंग फॉर योर बक, मीन्स घिसे हुए गड्ढे को भी आप लंबे अरसे तक कोई भी एग्रेसिव इंटरवेंशन के बिना चला सकते हो। अच्छा जी, रिप्लेसमेंट कब आता है? जब आपकी जो नी गुड्डे के विच की जो गद्दी होंगी वो पूरी घिस जाती है। जी जी जी। तो डॉक्टर बोलते हैं बोन ऑन बोन, जैसे हड्डी दे विच कुछ नहीं रह जाता, मतलब ये तुसी कह रहे हो। हाँ जी, तो जैसे आवाज आंदी, जैसे आप खड़े होते हो या पैर लाते तो क्रक 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 जो नॉइज होती है जिसको हम क्रैपिटस बोलते हैं, अगर वो हो तो बाद में वो डॉक्टर बोलेंगे अगर आपको इतना दर्द हो रहा है, आपका बोन ऑन बोन है और आप चल नहीं सकते या आपका एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जैसे बाथरूम जाना या शॉपिंग करना या किचन में खड़ा रहना, तभी जाकर वो नी रिप्लेसमेंट का आपको सजेशन देंगे। जी जी जी। डॉक्टर मैं तुहानू इत्थे जरूर पूछना चाहती हाँ कि तुसी जिस तरह कहा कि जो ये नी रिप्लेसमेंट गोड्या नू रिप्लेस कराना बहुत ही मतलब एक्सट्रीम ओ लास्ट अखीर दा ऑप्शन रह जाता है, बट उस तो पहले तुसी कुछ चीज़ा कर सकते हो, खास करके जिस तरह तुसी फिजिकल थैरेपी की गल कर रहे हो जिहदे नाल तुसी उन मसल्स नू तंदुरुस्त कर सकते हो जो तुहाडे गोड्या नू फड़ के रखते हैं, राइट, सपोर्ट करते हैं। सो इहदे बारे थोड़ा सानू दसो। ये तो मैं पर्सनल दसना नहीं, मेरी भी नी सर्जरी हुई हुई है एंड इज द सेम थिंग दे सेड कि जो लिगमेंट्स टेयर हो जाते वो तो रीग्रो नहीं होंगे, बट वो टेयर इस करके होंगे कि तुहाडे मसल्स तुहाडे क्वाड्स या हैमस्ट्रिंग्स नहीं उन्होंने स्ट्रोंग नहीं सीगियां। सो उस तो बाद मैनू तो दसिया गया सी कि ए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो मेरी फिजिकल थैरेपी दे विच मैनू दसी गई सी कि इहदे नाल तुहाडी लत्तां दे मसल्स तुसी तंदुरुस्त कर सकते हो ताकि गोड्यां नू सपोर्ट ज़्यादा देर ज़्यादा वधिया करन। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਯੂ ਨੋ ਅਫਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਫੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ। तो एक खाली एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हम आज रिटायर होने वाले हैं तो हमारा रिटायरमेंट इतना कंफर्टेबल होगा जितना हमारा बैंक बैलेंस हो, और बैंक बैलेंस वो लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट पर कलेक्ट नहीं होता, हम लोगों को 10 15 20 साल पहले से उसकी सेविंग करनी पड़ती है, तब जाकर जो रिटायरमेंट का जो हमारा हमने जो लाइफस्टाइल सॉर्ट ऑफ डिसाइड किया हो या सोचा हो तो वो कंफर्टेबली जी सकते हैं। वैसे ही नी स्ट्रेंथ का है, नी स्ट्रेंथ आज आप सोचो डॉक्टर ने बोल दिया आज ऑपरेशन करा लो या ऑपरेशन की जरूरत है आपको, तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए आपके गुड्डे को कंडीशनिंग करना पड़ेगा। कंडीशनिंग मींस उसकी गुड्डे की अलाइनमेंट बड़ा अच्छी करनी पड़ेगी, गुड्डे के कंट्रोलिंग जो मसल्स है उसको सही करना पड़ेगा, और आपकी बॉडी की कोर यानी कि सेंटर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो वो करने के लिए आपको थोड़ी पहले मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आपने वो मेहनत की, आपने वो थेरेपी की, तो आपका जो रिजल्ट है रिप्लेसमेंट के बाद सर्जरी के बाद आपका जो पूरा आउटकम है सर्जरी का वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो वो करने के लिए यू नीड टू डू सम वर्क एंड दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ नी और प्री रिहैब और बिफोर द नी रिप्लेसमेंट दे से प्री सर्जिकल रिहैबिलिटेशन। तो ये फैंसी वर्ड है बट इन शॉर्ट थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिफिक एक्सरसाइज करो गुड्डे की तो आपका गुड्डा फिर से बढ़िया हो सकता है। जी एंड डॉक्टर सोनी यू नो इस प्रोग्राम दे विच खासकर साडी हमेशा गल हुंदी है कि जो तुहाडी अप्रोच हैगी इन सोल्यूशनज नू लैके इन सुझाव नू लैके वो थोड़ी जी वक्री है। सो ऑफकोर्स मैं इत्थे पुछना चाहूँ कि तुसी इन्ने सालां तो इस फील्ड विच हो, यू नो वंस अगैन तुहाडी इन्नी वड्डी टीम है, वख वख एक्सपर्ट्स तुहाडे टीम विच हैगे, इस स्पेसिफिक चीज़ नू लैके जिथे आपां नी रिप्लेसमेंट की गल करदे हैं जिथे वो नी रिप्लेसमेंट नू लैके फिजिकल थैरेपी की गल आती है, तुसी अपने पेशेंट्स नू किस तरह किस वक्रे तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो? तो
एक ये है कि हम हमारे पेशेंट को खाली जॉइंट के लिए ही ट्रीट नहीं करते, वी हैव टू ट्रीट एवरीबॉडी एज ए होल, लाइक ए होल ह्यूमन बॉडी, राइट? तो एक सिंपल सी समझ है कि अगर आप एग्जांपल, आपको राइट नी में दर्द हो रहा हो, तो जब आपको राइट नी में दर्द होकर आप चल रहे हो या खड़े रह रहे हो, तो आप अपना पूरा लोड लेफ्ट नी पर शिफ्ट करते हो, वो नॉर्मल है। एवरीबॉडी, यू डोंट नीड टू गो टू अ डॉक्टर टू लर्न दैट, आप आपकी बॉडी कंपनसेट करती है। और दूसरा, वैसे ही आपकी स्पाइन पर अलग से वो स्ट्रेस गिरता है। तो हम लोग खाली जो राइट नी को प्रॉब्लम है उसको नहीं ट्रीट करते, उसके अलावा वो लेफ्ट नी को पहले से ही स्ट्रेंथनिंग देते हैं, और दूसरा आपकी सेंटर यानी कि कोर, जो कोर स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, वो करते हैं। सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस। आई फर्मली बिलीव कि वी ट्रीट यू एज अ होल एंड वी एंटिसिपेट सम चेंजेस ऑन द अदर नी, which what we call uninvolved or as quote unquote normal knee, उसको भी include करके treat करते हैं। तो और दूसरा कि हम patients को how would I put it, we want the patient's operation to succeed, we want the patient's surgeon to tell के हे आपने बहुत ही अच्छा ताकत लाकर आप अच्छी तरह चल रहे हो। तो वो success लाने के लिए हम पेशेंट्स को पहले से एजुकेट करते हैं कि आप इन्हें थोड़ी मेहनत सर्जरी के पहले करो, बाद में सर्जरी स्केड्यूल करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट 15 20 25 इयर्स ऑफ गुड वॉकिंग, running and recreation out of your knees. जी and doctor, I'm so glad to see walking and खास करके दौड़न दी गल कीती है, because जिथे घुटनियां दी गल आंदी है उथे इस तरह दी activities अगर तुसी physical therapy या exercise दे नाल अपने लत्तां दे muscles नूं नहीं तंदुरुस्त करदे, ते जदों तुसी walk करदे हो या दौड़दे हो, ओ होर उल्टा negative impact हो सकदा है अगर तुहाडे muscles दी मतलब सही condition नहीं हैगी। I mean surgery ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਫਕੋਰਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੈਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਡਲ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮਿਡਲ ਏਜ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਨੋ 20s 30s ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੋਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗਿਵ ਦੈਮ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। So, दो चीज, एक तो जो यंग पॉपुलेशन है उनके पास दे हैव लाइफ इवेंट्स गोइंग ऑन विद देम, जैसे कि उनका जॉब होता है विच आर एक्सटेंडेड आवर्स, उन यंग फैमिली होता है, और बाद में उनके खुद के इंटरेस्ट होते हैं, तो ये तीन को लेकर उनके पास लिमिटेड टाइम होता है खुद की केयर करने के लिए, एंड वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, सो वी पुट देम ऑन समथिंग कॉल्ड ए होम एक्सरसाइज प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट इनिशियल फेज ऑफ दैट ट्रीटमेंट। तो क्या होता है कि जो कुछ घर पर सीखेंगे, जैसे होमवर्क दे दे बच्चों को, वैसे उनको सिखाएंगे घर पर, और थोड़ा यहाँ हमारे साथ करेंगे, और हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो 4 से 6 हफ्ते का ही होता है। उसके बाद हम उनको थ्रू दिस होम एक्सरसाइज प्रोग्राम वी आर इन टच विद द पेशेंट, जैसे उनका वी डोंट लीव देम सॉर्ट ऑफ कोल्ड टर्की, वी डोंट लीव देम कि अगर चलो आपके 6 हफ्ते हो गए बाय बाय, ऐसा नहीं, वी गिव देम दैट होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। एंड द यंगर पॉपुलेशन इज स्मार्ट, हमारे लोग जो वीडियोस थोड़े हमारे जो एक्सरसाइज वीडियोस हम भेजते हैं वो देखकर, एस्पेशली हमसे सीखकर गए हो तो वो याद रखकर वो करते हैं। सो द पीपल हैविंग ACL टेयर, मेनिस्कस टेयर, लिगामेंट टेयर, हैमस्ट्रिंग्स इंजरी, क्वाड्रिसेप्स टेयर, बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट्स इंजरीज या जस्ट वर्क रिलेटेड इंजरीज नी में डे टू डे लाइफ, हां जी जी। तो क्या है कि व्हेन द थिंग्स आर स्मॉल, वी से द बॉल इज इन योर कोर्ट, एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर नी, तो आपके घोड़े को आप पहले से अगर थोड़ा तंदुरुस्त करने का खुद कोशिश करोगे, थोड़ा एफर्ट रखोगे, तो नी रिप्लेसमेंट तक बात पहुंचेगी ही नहीं। And the best thing to have in your body is your own body parts. No matter how advanced medicine is, you will agree with me ke
आप आर्टिफिशियल नी जॉइंट लगाओ, इट इज नीडेड देन इट इज नीडेड, डेफिनेटली वी नीड टू पुट इन, बट हमारे खुद के गोड्डे जितने हमें हमारे बॉडी को यूजफुल रहेंगे वैसा कुछ नहीं है लाइफ में, राइट? सो दैट्स व्हाई वी वांट टू एक्सटेंड दैट बाय डूइंग दैट प्रिवेंशन एंड सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव केयर. हम लोगों के पास अगर आओगे तो दैट्स वेयर व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कंजर्वेटिव केयर, less of injections, less chemicals, and that's how we can help the young population. जी, I'm glad you said that because you know, overall I think एक चीज जो साढ़े वालों I think mention करनी बहुत जरूरी है इस program दे विच बार बार लोगों ने याद लाना that किन्नी सारी इस तरह दी afflictions हैं जिन्हां नूं तुसी extreme आपां कह सकते हैं medication ते surgery दे नाल treat करन तो पहले अगर तुहानूं उस चीज़ दी नहीं उस हद तक जाण दी नहीं लोड़, तुसी physical थेरेपी, एक्सरसाइज तो इस तरह की केयर के नाल तुसी ट्रीट कर सकते हो. आई एम ग्लैड, बट यू सैड के यू नो यू हैव अ वेरी डिफरेंट डायनामिक एंड सक्सेसफुल अप्रोच, तो इस चीज़ में लैके मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहती हाँ व्यूअर्स नाल जो तुसी साडे लैके आए हो. सो लेट्स हियर कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स उन्होंने एक्सपीरियंस में लैके, खास करके जिते नी रिप्लेसमेंट की गल आती है फिजिकल थेरेपी के नाल. Hi, I'm at Dynamic Physical Therapy. I've been coming here for a couple of months now. I have to say Dr. Isha has been extremely therapeutic in helping me with my knee. I had a total knee replacement, and I have come for knee replacement therapy. This is the place to come to. I'm sorry I never came here for my other health issues, but fortunately, I'm here now. And I'm so grateful to the staff here. They're all wonderful. They take you on time. They're always checking in on your work, anybody, again, any issues that you have, whether it's knee replacement, hip replacement. I've seen so many people come and go, and with their necks, their backs, their arms, people that could barely move. They've been here and they've been so compassionate, helpful, and understanding. So first of all, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ. ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ. It's been 2 years that anniversary came. We had that poster. We used that for outreach to the patient, and that was included in the video. But I'm thankful to you for acknowledging that. Nee, of course, Dr. Soni, and you know, thodi eh success story ek hor main share karna chahndi ha, jo apne jis tarah apa keh sakde ha Punjabi community to ek testimonial hai, but us to pehle Dr. Soni, you know, thodi clinics vakh-vakh locations vich han New York de vich, so thodi kafi diverse client population hai, but jithe apa apni South Asian community ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ. ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ, ਯੂ ਨੋ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ patients coming to you, to see hun in person appointments lare, or is everything you know, fully open? What should viewers know about that? Oh, I'm glad to tell that we are about 75% to 80% of our normal operations pre-COVID. Now that's a huge sort of step forward. Or hum sab abhi sub offices open hai, hamare sub locations are open. A couple of them are for limited hours, but I'm glad to report ki we are back and with full energy. And I must mention one thing. Yes, I'm really proud of serving our South Asian clientele, and I'm learning Punjabi. Main seekh raha hoon. I have a great sort of affinity for our Punjabi patients, and in our locations where Glen Oaks and you know, in South Ozone Park, it's an ever growing relationship with our Punjabi patients. Mm-hmm. So yes, you're right, we love to share our Indian heritage.
And I'm proud that I have that opportunity and staffing available to serve our patients. I think tusi hamesha inni jyada jidda kehnde na valuable jankari share karde ho is field de vich, but aaj sab to vadhiya gal sade viewers nu eh laggi honi hai ki tusi Punjabi sikh rahe ho sade naal jud ke te apne viewers de naal apne clients de naal communicate karde ho. This is very good. Doctor, I just want to pick up on one point really quickly. Unfortunately, sama sade kol nahi zyada reh gaya, but इस टेस्टिमोनियल दे विच जो साडे तुहाडे पेशेंट सीगे उन्होंने कहा कि भावें उह नी रिप्लेसमेंट होए हिप रिप्लेसमेंट होए ए चीज़ा मतलब जिस तरह तुसी पहले कह सी पूरी बॉडी नू अफेक्ट कर दी है राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग अगर कोई व्यूअर सानू वेख रहे हुन अगर वह इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं दैट उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि तुहानू नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट ये चीज़ करानी पाऊगी ये किन्ना कि इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कोल एक फिजिकल थैरेपी आप कह सकते कॉन्सल्ट हो या कोई जरिया हो जिद प्री सर्जरी प्री ऑपरेशन भी फिजिकल थेरेपी की एटलीस्ट कुछ जानकारी ले सकन कि किस तरह इस चीज़ नू हैंडल करना है. You are pointing in the right direction. अगर उन्होंने सर्जरी के पहले हेल्प ले ली तो उनकी सर्जरी का आउटकम बहुत ही बढ़िया होगा और दूसरा उनका जो रिकवरी टाइम है वो शॉर्ट हो जाएगा. So it's very important that the patients who are told to go for surgery, any replacement, वो therapy से पहले consult करे और वो जो specific exercise सीखनी है वो सीखे. I'll give an example. आप surgery कराओगे तो आपको दर्द होगा. अगर गोडे का surgery करे तो गोडे में दर्द होगा. तभी आपको कोई exercise सिखाएगा तो आप वो नई चीज जरा आप देर से सीखोगे क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, surgery का दर्द हो रहा है. तो पहले से सीखे हुए होते हो तो आपके लिए वो करना थोड़ा इट बिकम मच इजियर. सो दिस इज अ स्मॉल टेक अवे, बट बिसाइड्स दैट हैविंग दोस कंडीशन मसल्स विल डेवलप बेटर कंट्रोल ऑफ द जॉइंट इन अ वेरी क्विक टाइम. दैट्स व्हाट आई कैन टेल. जी जी right? जी अगर आप कहना हो सिंपल शब्दों के जो तुहाडे जॉइंट्स हैं जिस तरह गोडे मोडे तुहाडे हिप्स राइट ये सारी चीज़ा तुहाडे मसल्स दे नाल ही सपोर्ट होंगी है. तुसी मसल्स नू तंदुरुस्त रखो तो जिते तुहानू फिजिकल थैरेपी की लोड है जरूर एक्सपर्ट्स दे नाल कंसल्ट करो. डॉक्टर सोनी की सारी इनफॉर्मेशन स्क्रीन पर लिखी हुई है, जरूर तुसी इन्हां दे नाल भी संबंध कर सकते हो डायरैक्टली. Dr. Soni, thank you so much for joining us. And you know, main dikhana chahundi si kuch Punjabi testimonials, but unfortunately sama sade kol aaj nahi ijazat dinda. Zarur next time appa is cheez nu viewers nal share karange, but for now have a good rest of your week. Sat Sri Akal. एंड मैं बाकी व्यूअर्स ने कहना चाहती हूँ इस प्रोग्राम नू लैके या हेल्थ रिलेटेड कोई भी तुहाडे क्वेश्चंस कंसर्न्स कमेंट्स साडे लई तुसी सानू भी लिख सकते हो info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com. हुण मैनू दिओ इजाजत. सत श्री अकाल.